कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से प्रतिबंध हटाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धन्यवाद दिया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्रंप के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, मुश्किल समय दोस्तों को करीब लाता है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, भारत कोरोना से लड़ाई में मानवता की मदद के लिए जो भी संभव हो करेगा। कोरोना संक्रमण से देश में मौतों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को देश में 27 संक्रमितों की मौत हुई थी। अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से जारी इन आंकड़ों के साथ देश में मरने वालों की संख्या 201 हो गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 149 मौतों की पुष्टि की है। क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती तबलीगी जमातियों के द्वारा मेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार की खबर लगातार आ रही है। दिल्ली के द्वारका स्थित क्वारंटाइन सेंटर में जहां पर जमातियों ने पेशाब भरी बोतल फेंकी, वहीं बक्करवाला सेंटर में एक जमाती ने मेडिकल स्टाफ पर थूका। शिकायत के बाद दोनों मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश में संक्रमण के 3 सबसे बड़े केंद्र के तौर पर उभरे इंदौर, भोपाल और उज्जैन को सील करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन स्थानों पर आवाजाही पूरी तरह बंद करने और जिला प्रशासन के माध्यम से जरूरी चीजों की होम डिलीवरी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5,500 के पार हो गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के 16 सांसदों के साथ बैठक की। उन्होंने सांसदों से कहा, मौजूदा समय में पूरी दुनिया COVID-19 की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, ऐसे में जल्दी लॉकडाउन खत्म करना ठीक नहीं होगा। इंदौर में एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। डॉक्टर का नाम शत्रुघ्न पंचवानी है। इसको मिलाकर इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया, जबकि 213 लोग अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लिहाज से इंदौर में कैंटोनमेंट एरिया बने अल्पसंख्यक इलाकों में मृत्यु का आंकड़ा नहीं थम रहा। बुधवार को 4 कब्रिस्तान में यह आंकड़ा 163 तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने खजराना में सर्वे शुरू करवाया है। 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, इन मौतों की जाँच करवा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ CM पटनायक ने यह भी कहा, लोगों के अनुशासन ने लड़ने की ताकत दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए सलमान खान भी इन दिनों जागरूकता फैलाने में लगे हुए हैं। हाल ही में सलमान ने कोरोना वायरस पर बनी शॉर्ट फिल्म वास्तव 2 शेयर की, जिसमें महेश मांजरेकर और सई मांजरेकर ने अहम किरदार निभाया है। इस वीडियो के जरिए लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। दुनिया भर के लगभग सभी 204 देशों को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस का खेल पर भी असर जारी है। इस साल जुलाई तक होने वाले टोक्यो ओलंपिक और क्रिकेट लीग का IPL को टाल दिया गया है। हालांकि IPL 15 अप्रैल को होना है, लेकिन इस पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।